दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर इन्फिनिक्स फ़ोन में कॉल आने पर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो कैसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। अब थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर ऊपर ऐप मैनेजमेंट या ऐप्स का ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जहाँ पर सभी ऐप्स रहते हैं उस सेटिंग में आ जाएंगे, इसी सेटिंग्स में आना है। और अब नीचे आकर फ़ोन वाले ऐप को खोजना है जिससे फ़ोन लगाते हैं। देखिए यहाँ पर ऐप आ गया है, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। ऐसा करने से कुछ भी डिलीट नहीं होगा, कोई नंबर भी डिलीट नहीं होगा। तो अब बैक आते हैं। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलेगा मैनेज नोटिफिकेशंस या नोटिफिकेशन का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर चेक करना है अगर नोटिफिकेशन बंद रहेगा तो इसे चालू कर देना है। देखिए हमारे फ़ोन में ऑन है। और नीचे आना है और यहाँ पर चेक करना है अगर इनमें से कोई नोटिफिकेशन बंद रहेगा तो उसे चालू कर देना है। देखिए हमारे फ़ोन में सभी ऑप्शन चालू है। तो इतना चेक करने के बाद अब बैक आना है होम स्क्रीन पर। अब अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। कैसे रीस्टार्ट करेंगे तो देखिए जो फ़ोन का पावर बटन है जिससे मोबाइल लॉक करते हैं, इस बटन को कुछ सेकेंड तक दबा कर रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे ही फिर से क्लिक कर देंगे तो फ़ोन अपने आप ही स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो जाएगा, इससे कुछ भी डिलीट नहीं होगा और जो प्रॉब्लम रहेगी वो सही हो जाएगी। तो इस तरीके से ही कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।